कानपुर हिंसा में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि नई सड़क हिंसा का मुख्य उद्देश्य चंद्रेश्वर हाता खाली कराना था। इसके लिए बिल्डर हाजी मोहम्मद वसी ने मुख्य आरोपी हयात जफर हसमी के संगठन को 10 लाख रुपए दिए थे। हाता खाली होने के बाद 90 लाख रुपए और दिए जाने थे। यह खुलासा वसी ने एसआईटी की पूछताछ में किया है। आपको बता दें कि बीते 3 जून को हुई हिंसा की एसआईटी ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की थी। उसमें बताया गया था कि पत्थरबाजों को 1000 रुपये व पेट्रोल बम वालों को 5000 रुपया दिया गया है। तो उपद्रवियों को हिंसा फैलाने के लिए पैसे दिए गए थे। केस डायरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिनेश अग्रवाल ने दायर। वहीं वसी जफर समेत हिंसा से जुड़े लोगों की एसआईटी डिटेल खंगाल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिल्डर वसी ने पूछताछ में बताया कि चंद्रेश्वर हाता की जमीन पर उसकी लंबे समय से नजर थी। वह वहां पर अपार्टमेंट के साथ एक मार्केट भी बनवाना चाहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हयात जफर हाशमी से हुई। हयात ने बताया कि वह भाजपा नेत्री के आपत्तिजनक बयान पर बंदी कराने वाला है। वसी ने पुलिस को बताया कि यह बात सुनकर उसने हाता खाली कराने की योजना बनाई। इसके लिए उसने हयात से 1 करोड़ रुपए में सौदा किया। 10 लाख उसे नकद दे दिया, बाकी रकम भी हाता खाली होने के बाद नकद दे दी जानी थी। वसी ने हिंसा के लिए एक दिन में 34 लाख की 2 प्रॉपर्टी बेची। इससे पहले उसने 3 प्रॉपर्टी अप्रैल, फरवरी और दिसंबर में बेची थी, जिसकी कीमत 35 लाख और 17 लाख और 75 लाख थी। बता दें कि डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि बिल्डर वसी से पूछताछ में चंद्रेश्वर हाता खाली कराने के लिए पैसे के लेन देन की बात सामने आई है। यह पैसा कहां से आना था और कैसे आना था, इसकी जांच की जाएगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।